इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डी फूडी को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डी फूडी। आज की हमारी रेसिपी है मलाई कोफ्ता। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप देख लेते हैं मलाई कोफ्ता बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। मैंने 3 चम्मच बटर लिया है, 1 कप बॉयल आलू लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 कप प्याज लेंगे, जितना प्याज लें उससे दुगना टमाटर लेना है आपको, 1 चम्मच चीनी लेनी है, 2 चम्मच ऑयल लेना है, थोड़े से काजू लिए हैं जिसे मैंने काट लिए हैं, 10-12 काजू लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि तीखा नहीं होता है, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी धनिया बारीक कटी हुई, 4 चम्मच क्रीम। मैंने यहाँ अमूल फ्रेश क्रीम यूज किया, आप चाहें तो घर की भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए हैं जिसमें तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च। इसके अलावा मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। चलो अब कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम बटर डाल देंगे। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अब बटर गर्म हो गया है तो इसमें सारे गरम मसाले डाल देंगे। आपको खड़े मसाले ज़्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ भी सकता है। अब हम प्याज डाल देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम हरी मिर्च डाल लेंगे, इसे भी थोड़ा फ्राई करेंगे। हमारा प्याज हल्का फ्राई हो गया है तो अब हम हल्दी डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी पचा लेंगे। अब इसे हम आधे मिनट तक फ्राई करेंगे जिससे कि मसाले भुन जाएं। अब हम टमाटर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम काजू भी डाल देंगे, इसे 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे जिससे कि काजू सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम 3-4 मिनट तक और फ्राई करेंगे। अब टमाटर पक गए हैं तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे, पनीर डाल देंगे, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, इसमें थोड़े से काजू के टुकड़े डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम थोड़ा
थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और उसे हाथों की सहायता से गोल गोल कर लेंगे। हम इसे एक लड्डू की तरह बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और लेंगे और इस तरह फैला लेंगे और कोफ्ते पर लगा देंगे। इससे क्या होता है ना, कोफ्ते फ्राई करते समय फटेंगे नहीं और हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। हमने सारे कोफ्ते बना लिए तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम एक एक करके बहुत ही सावधानी से कोफ्ते को इस तरह डाल देंगे। जैसे मैं कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ वैसे ही आप बहुत ही सावधानी पूर्वक कोफ्ते फ्राई करें, नहीं तो आपके कोफ्ते फट भी सकते हैं। हमें कोफ्ते को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए तो हम चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। अब हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे। अब हमने जो मसाला तैयार किया था ना, उसे ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे और इस पत्ते को निकाल देंगे। हमने मसालों को अच्छी तरह से पीस लिया है तो हम एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देंगे जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा, और स्ट्रेनर लेंगे और इसे इस तरह रख देंगे। हम इसमें सारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। अब हम जार में 1.5 गिलास पानी डाल देंगे जिससे कि हमारा बचा हुआ मसाला भी पानी के साथ बाहर आ जाए, और इसी तरह स्ट्रेनर से छान लेंगे। अब हम इसे इस चम्मच की सहायता से चलाएंगे जिससे कि सारी ग्रेवी अच्छे से छन जाए। और हमें बीच बीच में चलाते रहना है। इसी तरह इसकी बहुत ही क्रीमी ग्रेवी बनती है। अब हम चम्मच की सहायता से इस तरह स्ट्रेनर के भी नीचे की ग्रेवी निकाल लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट अनुसार ही डालें। अब इसमें चीनी भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें सारी क्रीम डाल देंगे। इसे हम 2-3 मिनट तक और पकाएंगे जिससे कि मसाला और क्रीम एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको कोफ्ते ग्रेवी में नहीं डालना है वरना आपके कोफ्ते फट जाएंगे। आपको सर्व करते ही टाइम कोफ्ते में ग्रेवी डालनी है। अब हम कोफ्ते को सर्व करेंगे। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे। हम सबसे पहले कोफ्ते डाल देंगे। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी क्रीम और डाल देंगे जिससे कि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा।
हमारे कोफ्ते सर्व करने के लिए तैयार है।